बट इज गोइंग ऑन गाइज वेलकम बैक टू द चैल टू अ ब्रांड वीडियो एंड बिफोर वी स्टार्ट इन टू द वीडियो मैं गिव अवे अनाउंस करना चाहता हूँ वी आर डूइंग अ टेन डॉर्स गिव अवे टू वन ऑफ द लकी सब्सक्राइबर्स बिकॉज द ग्रोथ ऑन द चैनल हैज़ बीन ह्यूज एंड आई वॉन्ट टू गिव बैक टू माई हंट फैमिली सो डेफिनेटली डू पार्टिसिपेट इन इट इट्स अ गुड चांस ताकि आप एक पास खरीद सको बैटल पास फ्रॉम द शॉप ताकि उससे आप अपने अकाउंट को और ज्यादा ग्रो कर पाओगे इन माई ओपिनियन यू शूडिनेटली गो फॉर द डेली ग्रोथ सपोर्ट बट या एक विनर जीतेगा डेफिनेटली पार्टिसिपेट करो पार्टिसिपेट करना ईजी है यू जस्ट हैव टू बी एंड एक कमेंट छोड़ जाना है ऑन दिस वीडियो वीडियो सो या विद दैट लेट्स मूव टू द एंड ये होने वाला है हमारी नई सीरीज एस एस आर वेपन का पहला वीडियो और आज के इस वीडियो में हम आपको एस एस आर गन द हंट्समैन का रिव्यू देने वाले हैं विच इज अ लाइट टाइप रेंज्ड वेपन और ये बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है फॉर संज इन इफ यू कैन गेट इट एंड आई बिलीव ये चैप्टर एट इग्रिस फाइट में भी बहुत ज्यादा काम आता है इफ यू वॉन्ट टू डिफीट इग्रिस दिस गन इज गन अभी वन ऑफ द मस्त हैव कॉम्पोनेंट ऑफ दैट फाइट एंड बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको इन ऑर्डर टू बीट दैट आई एम नॉट से आप एस आर वेपन से नहीं हरा सकते हो देर आर एस आर वेपन लाइट टाइप में फॉर एग्जाम्पल राधी रूस फैमिली लॉन्ग बो यू कैन यूज दैट टू क्लियर द स्टेज बट ये हंड्समैन आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा आसान बना देता है सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस वेपन डीप डाइव एंड मैं आपको बताऊंगा इस गन के साथ आपको कैसे खेलना है इफ़ यू हैव इट और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इन जनरल विल टेक इट इन टू सम गेम मोड्स एंड वेर आई विल शो यू बाई टेस्टिंग द गन कि इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं ओके okay? सबसे पहले अब अगर हम इस गन की बात करेंगे तो वन द यूजर यूजेज जजमेंट टाइम विच इज ये गन का अल्टीमेट स्किल है एक्टिवेट्स दरअ कोर अटैक वैन द यूजर जजमेंट टाइम दर कोर अटैक कोर अटैक बेसिकली जो बेसिक अटैक होता है कॉर्नर में चेंज टू टाइम टू हंट फॉर सिक्स सेकेंड एंड इंक्रीजेस डैमेज बाय सिक्सटी परसेंट वैन द यूजर्स बेसिक अटैक कोर अटैक और टाइम टू हंट हिट्स टारगेट विद इन फोर मीटर इंक्रीजेज डैमेज बाय फिफ्टी परसेंट मतलब ये हंड्रेड एंड टेन परसेंट इन टोटल डैमेज को बढ़ा देता है विच इज इंसेनली इनसेनली ब्रोकेन ऑलरेडी अगर आपके पास इसका एडवांसमेंट है तो पहले एडवांसमेंट में ये आपको ब्रेक इफेक्ट इंक्रीज बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट देता है, है साथ में इंक्रीज डैमेज टेकन बाय 8 डेमेजेंट एनिमी पे जिसको भी ये टारगेट करेगा तो इनफाइनाइट है ये सो दैट इज इनसेन ओके उसके बाद सेकेंड स्टार पे इंक्रीजेस लाइट डैमेज बाय टेन थर्ड स्टार पे द स्किल इंटरप्ट द टारगेट फॉर टू सेकेंड जब आप जजमेंट टाइम हिट करोगे तो हॉल्ट इफेक्ट लगेगा टारगेट पे स्टार पे कुल डाउन ऑफ जजमेंट टाइम बाई ट्वेंटी परसेंट मतलब जो अल्टीमेट स्किल गन का नाउ डिस्ट्रॉय चेंज इंक्रीज डैमेज टेकन बाय स्टैकिंग अप टू डिस्ट्रॉयटी टाइम्स ये पहले स्टैक नहीं हो रहा था ये इंक्रीज डैमेज टेकन वाला जो यहां पर अप्लाई uh, हो रहा था आई बिलीव इट इज या एट परसेंट राइट ये चेंज होके सिक्सटीन परसेंट हो जाता है और ये नाइनटी नाइन टाइम्स स्टैक हो सकता है दैट मीन्स ये गन बहुत ही बहुत ही ज्यादा ब्रोकन हो जाता है एट ए फाइव सो आल बी हंटिंग फॉर दिस गन द दंट्समैन ताकि ए फाइव में कर सकूँ सो दैट आई कैन डू दिस इन सेम अमाउंट ऑफ डैमेज राइट नाउ वी हैव इट एट ए थ्री तो ए थ्री पर हम शोकेस करेंगे और अगर हम इसके स्किल की बात करें बिकॉज देर वर स्किल्स ऑल्सो मैंशन तो हम स्किल्स में आते हैं तो पहले जजमेंट टाइम देख लेते हैं आफ्टर चार्जिंग क्विकली एंड फायरिंग अ बैरल इन टू द एनिमी फायर अ पावरफुल शॉट जो कि हंड्रेड एंड वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एट परसेंट ऑफ यूजर्स अटैक है एट लेवल वन ओके लाइट टाइप डैमेज और ब्रेक भी करता है ये लाइट तो दैट इज ग्रेट फिर इसके कोर अटैक पे यानी कि जब आप इसको चार्ज कर लोगे पूरा बेसिक अटैक को तो कोर अटैक करता है ठीक है कैरेक्टर तो बेसिक अटैक पे 91 परसेंट पहले स्टेज पे सेकंड स्टेज पे 94 परसेंट थर्ड स्टेज पे 100 परसेंट जिनबू का अटैक और कोर अटैक में 546 परसेंट ऑफ द यूजर्स अटैक ठीक है तो लेट्स टेक इट इनटू सम गेम मोड और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा बाय यूजिंग ओनली दिस गन कि कैसे ये गन फंक्शन करता है एंड हाउ इट इन जनरल बिहेव्स जब आप इसको यूज करोगे वी कैन गो ऑन दिस ए एंड गेट अगर ये लाइट एट्रीब्यूट हो वरना हम री करेंगे गेट को वीर गोन सी इफ कैन गेट समथिंग क्लियर एबल ओके दिस इज लाइट एट्रीब्यूट आई थिंक ये वाला हम कर सकते हैं वी आर इन द रेंज ब्लू पॉइजन स्कॉर्पियो दिस गोना बी इजी क्लियर विद दिस वेपन तो हम सिर्फ इसी वेपन को यूज करेंगे द हंट्समैन को वीर नॉट गोना यूज एनी अदर वेपन ऑन समझ वू सो लेट्स गो सबसे पहले आपको बेसिक अटैक को स्किल को होल्ड करके रख सकते हो इट इज गोना कंटिन्यूसली फायर द शॉर्ट्स एंड एंड में जब आपका चार्ज हो जाए कोर अटैक देना आप उसको क्लिक करके करोगे तो अच्छा खासा डैमेज करेगा फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्सेंट ऑफ संजिन गुज अटैक ओके सो लेट्स गो पहले हम जजमेंट टाइम यूज करेंगे यहां पे आप देखोगे इन सेम डैमेज हंड्रेड थाउजेंड अटैक लाइक दैट ठीक है ओके वे गोना मेक सम डिस्टेंस ओके लेट्स यूज द शेडो स्टेप लेट्स यूज द गन ओके अब आई थिंक हमारा कोर चार्ज हो गया आप देख सकते हो कोर अटैक था ये

इजीली ये क्लियर कर दे रहा हमारे लिए राइट right? अभी देखो कोर अटैक है ये यू कैन सी द डैमेज नंबर्स जस्ट फ्लाइंग बाय विथ दैट हमने फर्स्ट फेज पार कर लिया है जस्ट यूजिंग द गन राइट दिस इज अ ब्रोकन वेपन एक मिनट में हमने स्टेज क्लियर किया हुआ ला अब इसको भी हम इसी से हरा देंगे ये ब्रेक भी अप्लाई करेगा दैट इज गन अट फॉर एस ओके वेयर गन यूज द शेडो स्टेप एट लीस्ट अब देख सकते हो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ब्रेक सिर्फ गन की मदद से हो गया है ई थिंक मी ब्रेक ने भी काफी हेल्प किया बिकॉज बींग द लाइट टाइप कैरेक्टर राइट बट अच्छा खासा ब्रेक गन की वजह से भी लगा है सो देट इज दैट इज वेल बट ब्रेक लाइट है तो दैट इज अक आई काइंड ऑफ अ बैक क्या बोल सकते हैं बैक क्लैश ऑफ दिस वेपन या फिर बोल सकते हैं वीकनेस बट यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक के बिना आई भी ब्रेक हो गया राइट एंड वीर जस्ट ग कीप ऑन फायरिंग एंड आप देख सकते हो इंसेन डैमेज नंबर राइट दैट इज जस्ट ग्रेट दिस गन इज ब्रोकेन वन हंड्रेड एंड फिफ्टी वन थाउजेंड अटैक देअर

स्किल्स कॉन्सेप्ट ग्रेड करने इस गन पे वो मैं आपको बता देता हूं सो दैट यू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस वेपन राइट बिफोर दैट लेट्स रिफ्रेश द गेट अगर कोई एक और अच्छा एग्जाम्पल एक्षा मिल जाए टू तो शोकेस इट ऑन आई गेस वी कैन गो ऑन दिस एयर एंगेट इफ लाइट ए नो दिस इज विंड दिस इज लाइट एट्रीब्यूट इसके अगेंस्ट भी चलते हैं ओके लेट्स ट्राई वन मोर बॉस दिस इज अ डिफरेंट बॉस ये वाला बॉस गोल गोल घूम के मारता है

स हो सकती है इस गन की बट देर आर प्लेंटी वेपन टू गिव द क्रिट दैट यू नीड ऑन डिफरेंट कंडीशन तो आप उनको उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो राइट ओके सो जजमेंट टाइम यूज कर लेंगे वेन इट इज ऑफ कुल्डन आप देख सकते हो डैमेज नंबर फोर्टी फाइव थाउजेंड पर हिट दैट इज क्रेजी क्रेजी डैमेज राइट और डैमेज इंक्रीज भी होता है जब आप जितना आप यूज करोगे थ्री नाइनटी थ्री थाउजेंड ओ माई गॉड वेस्ट विंड लेवल का डैमेज है गाइस वेस्ट विंड लेवल का डैमेज है बट आपको इसका वही है कि इसका जो डैमेज इंक्रीज नंबर है वो आपको चार्ज करना पड़ता है सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट ओके ओके वी हैड दिस अनडाइंग नाइट राइट अभी इसी के अगेंस्ट गए थे हम राइट नो दैट वॉज स्कॉर्पियन राइट ओके सो लेट्स यूज अ जजमेंट टाइम अब अब हमारा आई गेस सिक्सटी परसेंट डैमेज इंक्रीज है हम तो अच्छा खासा डैमेज इस पर डील करेंगे यू कैन सी द डैमेज नंबर जस्ट गोइंग बर्जर्क मोस्टली लाइट टाइप डैमेज है तो ये हमें बताता है कि हमारा गन का ही डैमेज है राइट right? बेग भी थोड़ा बहुत डैमेज कर रहा होगा बट या द डैमेज नंबर मोस्टली गन से ही आ रहे जो कंसिस्टेंट चार्ज हो रहे हैं ठीक है ओके लेट्स यूज जजमेंट टाइम एंड देन अगेन लेट्स जस्ट होल्ड ऑन द गन एंड ये बेसिक और कोर दोनों करेगा द बिगर नंबर विल बी द कोर ओके सो फर्स्ट फेज डाउन अब इसका सेकेंड फेज आएगा सो विल जस्ट होल्ड डाउन ऑन द गन दैट्स अबाउट इट दैट्स ऑल यू हैव टू डू टू टेक दिस गाय डाउन ओके ओके शेडो स्टेप लाने की कोशिश कर रहा था बट नहीं लग रहा है सो ये नॉट गेटिंग दैट डिफेंस डाउन बट डैमेज आप देख सकते हो बस इनसेन इनसेन डैमेज यहां पर एक सिस्टम अगर होता कि हम डैमेज नंबर देख सकते कि, कि किसने कितना डैमेज किया है स वेपन ने कितना डैमेज किया तो ज्यादा अच्छा रहता बट दैट वुड हैव बीन सो बेनिफिशियल टू मेक द कैलकुलेशन एंड एवरी थिंग टू अंडरस्टैंड कि कौन सा वेपन अच्छा है कौन सा खराब है बट या यू कैन सी हेयर ये वेपन क्या ही ब्रोकन वेपन है राइट ओके देर यू गो दिस वेपन जस्ट किक्स द एनिमीज एसेज राइट इट एसेज गाइज और राइट तो आई आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग इस गन को कैसे यूज करना है आपको एंड हाउ दिस गन फंक्शंस एज अ होल एंड क्या पावर लेवल है इस गन का राइट सो डेफिनेटली आई मस्ट हैन इन माई ओपिनियन ये एक बहुत ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है सन जिनवू के लिए डेफिनेटली नॉट टू बी नेग्लेक्टेड एंड इफ पॉसिबल आप अपने रेटअप में डाल दो सो दैट यू कैन गेट इट ऑन अ लेटर डेट ओके डेफिनेटली गो टू योज गो टू योर वेपन एंड यहाँ पर डेफिनेटली आप लगा दो एंड इवन वॉट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पर ये हंडसमैन को लगा दूंगा आई वॉन्ट टू मोर कॉपीज ऑफ इट बट आई थिंक हमें रैंडमली भी मिल सकते हैं बट इफ आई कैन गेट इट फास्टर दैट वुड बी ग्रेट बट या डेफिनेटली ये गन एक मस्ट है एट ए फाइव एटलीस्ट वो तो ब्रोकन हो जाता है बट इवन विद ए थ्री एंड ए वन बहुत स्ट्रांग है और ए जीरो पर भी काफ़ी अच्छा डैमेज वफ है डाय थॉट्स एंड ओपिनियन अबाउट दिस गन अगर आपके पास ये गन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गिव अवे चल रहा है डेफिनेटली डू पार्टिसिपेट मिलेंगे आप सगली वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट टेक केयर बाय राइस